भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश कार्यालय में आज संगठनात्मक चुनाव के लिए कार्यालय का विधिवत उद्घाटन भी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में 2 सितंबर से सदस्यता अभियान का आगाज किया था। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था। उससे आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 1,53,00,000 से अधिक सदस्य बनाया, जिसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश भाजपा संगठन की जमकर पीठ भी थपथपाई। लेकिन सदस्यता अभियान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश भर के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यों की 5 नवम्बर को सूची जारी होगी और 10 नवम्बर से भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संगठनात्मक चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ही एक कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। 10 नवंबर से भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव का आगाज होगा और इस दौरान प्रदेश के सभी जिला, ब्लॉक और मंडलों में संगठनात्मक चुनाव तर्क संगत से कराए जाएंगे और जिस प्रकार से भाजपा का लोकतंत्र है उसके मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया को सरल तरीके से कराने की कोशिश की जा रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से संदीप मिश्रा। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनाव में नामांकन रैली में राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और बीजेपी शक्ति प्रदर्शन कर कहीं ना कहीं एक दूसरे को शक्ति दिखाने की कोशिश करने वाली है। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए कांग्रेस बीजेपी लगातार जमीनी स्तर पर काम करती दिखाई दे रही है। मगर बात की जाए प्रत्याशियों के नामांकन की तो 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है, मगर 24 अक्टूबर की बात करें और 25 अक्टूबर की यदि बात करें तो दोनों ही दिन बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता नामांकन रैली निकालकर कहीं ना कहीं दोनों ही विधानसभा सीटों पर शक्ति प्रदर्शन करते दिखाई देंगे। जहां बात की जाए विजयपुर के प्रत्याशी बीजेपी के रामनिवास रावत की तो 24 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस नामांकन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। वहीं बात की जाए बुधनी भाजपा प्रत्याशी की तो 25 अक्टूबर को नामांकन भरा जाएगा। वहीं बुधनी और विजयपुर की यदि बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के बड़े नेता शक्ति प्रदर्शन रैली में शामिल होंगे और वहीं उपचुनाव की तैयारी करते दिखाई देंगे। अब देखना होगा कि दोनों ही उपचुनाव सीट की जनता किस राजनीतिक पार्टी को प्यार देती है। कैमरामैन सुरेश के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरपंचों के खिलाफ भी अब लाया जा सकेगा अविश्वास प्रस्ताव। इसको लेकर सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के साथ ही मध्य प्रदेश में सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में अब मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर बदलाव करने जा रही है। मध्य प्रदेश में सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी प्रदेश सरकार ने कर ली है और इसके लिए पंचायत राज अधिनियम में सरकार बदलाव करेगी। 3 साल के बाद 3/4 जो पंच हैं उनके हस्ताक्षर से सरपंच के खिलाफ पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। गौरतलब है कि नगरीय निकायों के बाद अब पंचायत में भी नए नियम जल्द ही लागू हो जाएंगे। जिला पंचायत और जनपद पंचायत के साथ ही नगरीय निकायों में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की प्रक्रिया पहले से ही जो है मध्य प्रदेश सरकार ने तय कर रखी है। इसके साथ ही अब सरपंचों के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाना आसान होगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कुमार संदीप, भोपाल। प्रदेश में हुए कस्टम मिलिंग, आबकारी घोटाले और कोयला घोटाले के आरोपियों को प्रदेश के अलग अलग जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। ईडी ने याचिका दायर की कि इनके द्वारा इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट और सिंडिकेट इनके द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके बाद से कोर्ट ने आदेश किया कि इन्हें प्रदेश के अलग अलग जेल में शिफ्ट किया जाए। पूर्व सेंट्रल जेल में एक साथ रहने पर सिंडिकेट चलाने और वीआईपी ट्रीटमेंट की मिली शिकायत पर ईडी ने याचिका दायर की थी, जिस पर ईडी की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया और इन आरोपियों को प्रदेश के अलग अलग जेल में शिफ्ट करने के आदेश दिए गए। बता दें कि पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को कांकेर जेल, एपी त्रिपाठी को जगदलपुर जेल में रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही अबकारी घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को अंबिकापुर जेल और कस्टम मिलिंग के आरोपी मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी को द
दंतेवाड़ा जेल में शिफ्ट करने के लिए निर्देशित किया गया। बता दें कि कोयला घोटाले के मुख्य सरगना सूर्यकांत तिवारी को जगदलपुर जेल में ट्रांसफर किया गया है ताकि इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले और इनके द्वारा सिंडिकेट ना चलाया जा सके। पिछली सरकार में हुए घोटाले के आरोपियों को अलग अलग जेल में शिफ्ट करने के आदेश दिए गए थे, लगातार शिकायतें मिल रही थी। उसके बाद कोर्ट ने ये आदेश किया ईडी की शिकायत पर और अब इन पांचों आरोपियों को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। हथियारों के दम पर सुपर पावर बनने वाले अमेरिका को उत्तर प्रदेश अब रिवाल्वर 455 सप्लाई करेगा। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो अमेरिका को अपना हथियार बेचेगा। ब्रिटिश कंपनी ने साल 1887 में वेबले 455 मॉडल को बाजार में उतारा था, फिर 1924 में इस रिवाल्वर को बनाना बंद कर दिया। इसका उत्पादन बंद होने से पहले यह 19वीं और 20वीं सदी में दुनिया भर में हुई क्रांतियों और युद्धों का गवाह बन चुकी थी। करीब 37 सालों में यह दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। इसी यात्रा में अंग्रेज इसे भारत लेकर के आए। लंबे समय तक इससे एंटिक रिवाल्वर का बनाने की मांग उठ रही थी। अब इस मॉडल को बनाने के लिए वेबले ने भारत के स्याल मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड से समझौता किया है। हरदोई में इसका निर्माण किया जाएगा, उसके बाद पूरे दुनिया में इसकी सप्लाई की जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य होगा जो अमेरिका को अपने यहाँ से निर्मित हथियार का सप्लाई करेगा। 100 साल पहले बंद हुए वेबले 455 रिवाल्वर की मांग अमेरिका, ब्राजील के अलावा कई यूरोपीय देशों ने की थी। यहाँ तक कि अमेरिका ने 10,000 यूनिट की मांग पहले ही की है, उसका आर्डर भी दे चुकी है। कंपनी ने अब निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में अब इसका निर्माण शुरू कर देगी। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर के तुकोगन थाना क्षेत्र में लोगों द्वारा तुकोगन थाना क्षेत्र का घेराव किया गया और आरजीआई कंपनी पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया गया। इंदौर के तुकोगन थाना क्षेत्र के बास्केटबॉल के सामने एक फर्जी कंपनी आरजीआई द्वारा कई लोगों के साथ ऐप के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद लोगों द्वारा तुकोगन थाने पर हंगामा कर फर्जी कंपनी की आनंद प्रीति जैन और उसके सहयोगों को पीड़ित थाने लेकर पहुंचे। दरअसल इन दिनों फर्जी ऐप के माध्यम से भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जहां बुधवार को आरजीआई नाम की कंपनी द्वारा ऐप के माध्यम से कई लोगों को मुनाफा देने पर नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर दी। वही फरियादों ने बताया कि ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको उसका मुनाफा मिलेगा, जिसके लिए सिक्योरिटी मनी 1800, 5000, 10000 और 15000 जिससे 10 लाख रुपए तक जा रहा है और जितनी डिपॉजिट राशि जमा की जाएगी उतनी सैलरी आपको दी जाएगी। मगर ऐप में रुपए जो शो हो रहे हैं, जब पैसा निकालने फरियादी जा रहे हैं तो उसकी एवज में उनसे और 12000 रुपए की मांग की जा रही है। वहीं आरजीआई कंपनी का शिकार सिर्फ इंदौर शहर के 10000 के लगभग है। फिलहाल तुकोगंज पुलिस ने आरजीआई कंपनी के कर्ता धर्ताओं को अपनी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और पूरे ही मामले की जांच करने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। मंगलवार को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में हुए बम विस्फोट की जाँच के लिए म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के CMD देवाशीष बनर्जी जबलपुर पहुँचे। उन्होंने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की बात कही है। जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मंगलवार को हुए बम विस्फोट में 2 कर्मचारियों की मौत और 11 कर्मचारियों के घायल होने की सूचना मिलने के बाद म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड कंपनी के CMD देवाशीष बनर्जी जबलपुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की और फिर फैक्ट्री परिसर में जाकर दुर्घटना स्थल को देखा। इसके बाद उन्होंने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी गठित कर जाँच करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने हादसे न हो इसके लिए भी नए प्लान को लागू करने की बात कही है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पूरे देश में हैं, उनमें इस तरह के बम विस्फोट नहीं होना चाहिए, इस तरह के हादसे नहीं होना चाहिए। इनको रोके जाने के लिए एक बार फिर नए प्लान लागू किए जाएंगे। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। सुनी मालवा में मुख्य मार्ग की हालत खराब है। यहाँ हम देखें तो बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। शिवनी मालवा नगर सहित नर्मदापुरम से टेमरनी मुख्य मार्ग की स्थिति जर्जर है, कई जगह अत्यधिक खराब है। सबसे ज्यादा खराब हालत धर्मकुंडी से शिवनी मालवा सड़क की है। जगह जगह मुख्य मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। मुख्य मार्ग बनने के बाद आज तक साइड शोल्डर भी नहीं भराए गए।
जिससे वाहन चालकों को खतरा मंडराते रहता है। बड़े बड़े गड्ढों से वाहन चालकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी छोटे छोटे दो पहिया वाहनों की होती है। सड़क के गड्ढों से जहां वाहनों के कलपुर्जे ढीले हो जाते हैं, वहीं गड्ढों में वाहनों के पटकाने के कारण मानव शरीर को भी बहुत नुकसान होता है। सड़क के गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है। प्रशासन को कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। आखिर कब तक मुख्य मार्ग के साथ ही नगर की सड़क के गड्ढे भराने से नागरिकों को राहत मिलेगी? नागरिकों का कहना है कि वादे तो बहुत किए जाते हैं और सुविधाएं शुल्क भी वसूला जाता है, परंतु नागरिकों को सुविधा नहीं मिलती। यहाँ हम देखें तो ना साइडिंग भराई गई है और ना ही रोड पे गड्ढे भराए गए हैं। यहाँ कई अधिकारी कर्मचारी यहाँ से निकलते हैं जाते हैं, लेकिन आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सीनी मालवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर। ग्वालियर में सरेराहा महिला से चाकू की नोक पर लूट करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने 12 घंटे के बाद ही गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर की कृष्णा राठौर दोपहर के समय जनाव स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन के 49,000 रुपए लेकर अपने भाई मुकेश साहू के साथ स्कूटी पर बैठकर निकली थी। वो जैसे ही बिरला नगर चौराहे के आगे जेसी मिल कॉलेज के सामने पहुंची, तभी पीछे से आ रही एक एक्टिवा गाड़ी पर सवार दो लोगों ने चाकू दिखाकर उनकी गाड़ी रुकवाई और रुपयों से भरा थैला छीनकर भाग निकली। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना के बाद पुलिस ने जब बैंक के आसपास और घटनास्थल के सीसीटीवी चेक किए तो कुछ संदिग्ध लोगों की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी आकाश पाहौर को ख्वाजा खानून की दरगाह के पास से धर दबोचा। पुलिस ने उसके एक अन्य साथी दिनेश जाटव को रमटापुरा से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट की गई रकम में से 47,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए आरोपी आकाश पाहौर के खिलाफ जनकगढ़ थाने में पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लिहाजा पुलिस अब दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन्होंने और कौन कौन सी वारदातों को अंजाम दिया। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज शर्मा। चीले के सांसद बंटी साहू को आया पाकिस्तान से धमकी भरा कॉल, जान से मारने की दी धमकी, कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल, पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपा ज्ञापन। पाकिस्तान से आया सांसद बंटी साहू को धमकी भरा कॉल, सांसद को दी जान से मारने की धमकी, बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल। जिले के सांसद विवेक बंटी साहू को दो दिन पूर्व एक अनजान नंबर से, जो पाकिस्तान का बताया जा रहा है, फोन आया। वो फोन पर अनजान व्यक्ति ने सांसद को घर से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद पूरे जिले में प्रबुद्ध लोगों ने इस घटना का जमकर विरोध किया है। तो बीजेपी के युवा मोर्चा व बीजेपी के लोगों में आक्रोश का माहौल दिखाई दे रहा है। वो पूरे जिले में इस घटना के खिलाफ ज्ञापन दिया जा रहा है। वही सौसर में भी युवा मोर्चा व बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी अली भानशाह मस्कोले को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंप व जल्द आरोपी को धरपकड़ की कार्रवाई को मांग को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें महामंत्री राहुल मोड़ ने इस कायराना हरकत का विरोध किया। तो वही इस घटना के बाद जिला पुलिस अलर्ट मोड़ में नजर आ रही है। सांसद को आए धमकी भरे कॉल के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल है, तो पुलिस अधीक्षक के नाम कार्रवाई को लेकर ज्ञापन दिया है। देखना है कि कब तक आरोपी पर कड़ी कार्रवाई हो पाती है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारकू। छत्तीसगढ़ में नवंबर महीने से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। वही धान खरीदी को लेकर गौरेला पिंडा मरवाही जिले में अब बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। मध्य प्रदेश में धान का रेट कम होने के कारण छत्तीसगढ़ में गौरेला पिंडा मरवाही जिला में धान खपाते हैं। अब बिचौलिए सक्रिय होने के बाद जो है धान की गाड़ी में भरकर धान लोड करके और किसानों के घर में धान पहुंचा रहे हैं। वहीं विभाग प्रशासन भी इस ओर अभी ध्यान नहीं दे रही है। जो अंतर्राज्यीय बैरियर हैं, लगभग 12 से 14 जो है बैरियर होते हैं जिले में आने के लिए मध्य प्रदेश से, वो अभी पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। वहाँ कोई चौकसी नहीं बढ़ाई गई है, जिसको लेकर के लगातार बिचौलिए अब जिले में सक्रिय हो चुके हैं। विपद सारथी एक्सप्रेस रिपोर्टर पिंडरा। तो विधानसभा को जल आपूर्ति करने वाला ग्राम दरबई खुद प्यासा, जनपद पंचायत परासिया द्वारा आयोजित समान सभा की बैठक में जल जीवन मिशन के अधूरे निर्माण कार्य व संचालित पेंचवेली जल प्रदाय योजना द्वारा पानी सप्लाई को लेकर भेदभाव के लगे आरोप हुई थी। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल हर घर नल
उनके ही अधीनस्थ कार्य करने वाले जिम्मेदार अधिकारी पतीला लगाने में लगे हैं। फरासिया विकासखंड की कई ग्राम पंचायतों में योजना अंतर्गत पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन पानी उपलब्ध नहीं करा पाए। अधूरे निर्माण कार्य से गांव में कहीं नालियां खुदी पड़ी है तो कहीं पाइप बिखरे पड़े हैं, कहीं कनेक्शन देकर खुला छोड़ दिया गया है, जो ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। वहीं कोयलांचल की पंचवली जल प्रदाय योजना दरवे ग्राम से संचालित होती है, जहां मंडान डैम का निर्माण हुआ, जिससे परासिया और जुन्नारदेव विधानसभा में जल आपूर्ति की जाती है, लेकिन इस योजना से दरवे ग्राम को नहीं जोड़ा गया। जनपद स्तर पर कई बार प्रस्ताव बनाकर जिम्मेदारों को भेजे गए, लेकिन आज तक दरवई ग्राम को पंचवली जल प्रदाय योजना से नहीं जोड़ा गया है। जब सामान्य सभा की बैठक में जनपद सदस्यों ने ग्रामों में पानी की समस्या को लेकर हर घर नल हर घर जल के अधूरे पड़े कार्यों को लेकर जिम्मेदारों पर सवाल खड़े किए और जवाब मांगा, वहीं जनपद उपाध्यक्ष ने पंचवली जल प्रदाय योजना को लेकर भेदभाव के आरोप लगाए। मुद्दे को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से तीखी बहस की। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने समान सभा की बैठक में उठे मुद्दे पर हुई तीखी बहस का असर कब तक दिखाई देगा, देखना होगा। या ग्रामों में पानी की समस्या यूं ही बनी रहेगी। परासिया से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल रहे। भारतीय खाद्य निगम संभागीय कार्यालय भोपाल के आरोपी किशोर मीणा को कोर्ट ने सुनाई 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा। सीबीआई कोर्ट ने आरोपी किशोर मीणा को, जो कि एफसीआई यानी भारतीय खाद्य विकास निगम भोपाल में सहायक ग्रेड 1 के पद पर कार्यरत थे, 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में विशेष मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार शर्मा ने अपने फैसले में मीणा को 2/12/2016 से 29/5/2012 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी ठहराया। यदि मीना अर्थदंड का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, जो उनकी स्थिति को और भी गंभीर बना देता है। सीबीआई ने इस मामले की जांच तब शुरू की जब मीना और उनके अन्य अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत मिली। जाँच के दौरान मीना के पास 3 करोड़ की नगद राशि, सोने चांदी के गहने और अन्य मूल्यवान संपत्ति बरामद की गई। यह सभी संपत्ति उनके आय के स्रोत से अधिक थी, जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने अवैध तरीके से धन अर्जित किया है। छापे के दौरान मीणा से 3 करोड़ से अधिक की नगद और उनकी आय से 924% अधिक आय की संपत्ति बरामद की थी, जिसको लेकर कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। अगर 5 साल की कठोर कारावास के बाद जुर्माना नहीं भरते हैं तो उसके बाद 1 साल की सजा और बढ़ा दी जाएगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदेव भोपाल।